नमस्कार दोस्तों, जय शनिदेव। कुंभ राशि के जातकों के लिए बड़ी खुशखबरी वाली बात है। जो शत्रु आपको नीचा दिखाना या आपको हानि पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, तो शनिदेव की कृपा दृष्टि कुंभ राशि पर पड़ने वाली है। शनिवार से आपके शत्रुओं की उल्टी गिनती शुरू होने वाली है। 16 और 17 नवंबर से समय का चक्कर बदलना शुरू हो जाएगा। खासकर 18 नवंबर की घड़ी शनिदेव चलेंगे अपनी चाल। तो कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव जल्दी से लिख दीजिए। और आप देख रहे हैं भक्तिबोध न्यूज। शनिदेव अपने ही राशि कुंभ में मार्गी अवस्था यानी सीधी चाल चलने वाले हैं। शनिदेव कुंभ राशि में सबसे ज़्यादा मजबूत होते हैं और इसी राशि में सीधी चाल चलना बेहद फायदेमंद रहने वाला है। शनिदेव आपकी राशि से 10वें स्थान पर मार्गी होने वाले हैं। शनि की मार्गी अवस्था आपके लिए फायदेमंद रहेगी। हालांकि आपको कड़ी मेहनत करनी होगी, तभी आप वो सफलता प्राप्त कर सकेंगे जिसकी आपको चाहत है। साथ ही निर्वाह योग्य आय के साधन भी बनेंगे। शनि का पाया तम्र होने से परिस्थितियों में सुधार आएगा और 16, 17 और 18 नवंबर से आपके लिए कई अवसर अच्छे आएंगे और शत्रु या तो द्वेष छोड़ देंगे या वो अपनी ही परेशानी में पड़कर आपसे शत्रुता भूल जाएंगे। आपको कारोबार में सफलता मिलेगी और भाग्य का साथ भी मिलेगा। नौकरी पेशा जातकों की आमदनी में इजाफा होगा और कार्यक्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन आप कर पाएंगे। आपके कड़े प्रयासों से करियर के क्षेत्र में ज़बरदस्त सफलता मिलेगी और पारिवारिक जीवन सुख शांति वाला रहेगा। पिता के साथ चल रही अनबन दूर होंगी और उनकी मदद से कई कार्य भी आपके पूरे होंगे। शनिदेव आपकी राशि के लगन भाव अर्थात पहले स्थान पर मार्गी यानी सिद्धि अवस्था में चलने वाले हैं। शनि की इस अवस्था का सबसे ज़्यादा फायदा कुंभ राशि वालों को मिलेगा। आपकी राशि पर चल रही साढ़ेसाती का शुभ प्रभाव आपको तरक्की के नए अवसर देगा। आपके आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होगी। व्यक्तित्व में आकर्षण का भाव रहेगा। कोई नया कार्य बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो नई साल 2024 से शुरू करें। अगर आप किसी स्वास्थ्य संबंधी समस्या से परेशान हैं तो आपको इससे राहत मिलेगी। पारिवारिक जीवन बेहतर रहेगा। शनि की मार्गी अवस्था से पारिवारिक सदस्यों की उन्नति भी होगी। निवेश से अच्छा लाभ होगा और आर्थिक स्थिति में भी मजबूती आएगी। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और कमेंट में जय शनिदेव जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। खुश रहें, स्वस्थ रहें।